दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा, क्या हम एक शेयर बेचने पर भी प्रॉफिट कर सकते हैं या नहीं? मतलब अगर मैं अपना एक शेयर बेचूं, एक क्वांटिटी बेचूं, तो क्या उससे भी मुझे पैसा मिलेगा या नहीं? तो दोस्तों इसमें डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंपनी का शेयर लिया है, उस शेयर की जो करंट प्राइस है वो कितनी है, वो जो शेयर है वो बड़ा है या छोटा है, ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि आपको ब्रोकरेज चार्जेस भी देने होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपको देने होते हैं। बाय करने पर भी आपको ब्रोकरेज चार्ज देना होता है और सेल करने पे भी आपको ब्रोकरेज चार्ज देना होता है। किसी किसी कंपनी के ब्रोकर में फ्लैट रेट होता है 20 रुपए बाय करने का, 20 रुपए सेल करने का, टोटल हो गए 40 रुपए। फिर उस 40 रुपए के ऊपर टैक्स भी लगेगा, ठीक है, 18% का टैक्स भी लगेगा। फिर जो बाकी के चार्जेस होते हैं, तो टोटल मिला के आप 50 रुपए मान के चलो, यानी एक ट्रेड को लेने पे आपका पूरा पूरा 50 रुपए कटेगा। और किसी किसी ऐप में ये परसेंटेज के हिसाब से भी होता है। मान के चलो आपने 100 शेयर लिए हैं, तो 100 शेयर के हिसाब से आपका ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। एक शेयर लिया है तो एक के हिसाब से आपका ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, और जो बाकी के चार्जेस होते हैं वो उतने ही रहते हैं। बस यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज में ही फर्क आता है। अब बात आती है कि एक शेयर को बेचने पर, मतलब एक शेयर को खरीदने या बेचने पर, या मल्टीपल शेयर्स को खरीदने के बाद उसमें से एक शेयर को बेचने पर क्या मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर है हाँ और ना, हाँ भी और ना भी। जैसे कि मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है कि आपका शेयर प्राइस कितना ज्यादा है। अगर मान के चलो, अब जैसे मैंने बताया कि टोटल जो चार्जेस आपका कटेगा बाय सेल के ऊपर वो 50 रुपए कटेगा, अगर फ्लैट रेट हुआ तो। वैसे मोस्टली फ्लैट रेट ही होता है, बाय करने पर 20 रुपए, सेल करने पर 20 रुपए, टोटल 40 रुपए, कुछ अदर चार्जेस मिला के टोटल 50 रुपए। तो हम यहाँ पे 50 रुपए मान लेते हैं। मतलब सेल करने के बाद, बाय करने के बाद, बाय और सेल करने के बाद आपका फिक्स 50 रुपए जाना ही जाना है आपके खाते से। तो दोस्तों मान के चलो अगर आपने एक शेयर सेल किया है और उस शेयर का प्राइस 50 रुपए है या 20 रुपए है या 30 रुपए है, तो यहाँ पे तो आपका ब्रोकरेज चार्ज ही टोटल सारा मिलाकर के 50 रुपए लग गया, तो आप कहां से कमाओगे? नहीं कमा पाओगे। तो इस हिसाब से कोई लॉजिक नहीं बनता, इस हिसाब से कोई इसका मतलब नहीं बनता कि एक शेयर को बेचने पर प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। अगर शेयर प्राइस ही आपकी 20 रुपए है, अगर शेयर प्राइस आपकी 30 रुपए है, 40 रुपए है, 50 रुपए है, इवन 100 रुपए भी है, तो 100 रुपए का शेयर आपने खरीदा हुआ है, मान के चलो 100 रुपए के प्राइस पे आपने 100 शेयर खरीदे हुए हैं, तो उसमें से जब आप एक शेयर को बेचोगे, टोटल कीमत कितनी हो गई? 10,000 रुपए। आपने 100 शेयर खरीदे 100 रुपए की कीमत पे, टोटल आपका कैपिटल लगा 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में आपकी 100 क्वांटिटी आपने बाय कर ली, ठीक है दोस्तों। अब शेयर प्राइस बढ़ा 10 रुपए ऊपर, 10 रुपए ऊपर बढ़ गया, मतलब आप प्रॉफिट में हो, उसमें से आपने एक शेयर बेच दिया, तब आपको कितना प्रॉफिट हुआ? अब मान के चलो आपने सारे शेयर बेच दिए, आपने 100 क्वांटिटी ली हुई है, 10 रुपए ऊपर बढ़ गया। अगर आपने 100 के 100 शेयर बेच दिए 10 रुपए ऊपर, तो आपका प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपए, ठीक है दोस्तों, आपका 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और अगर आप एक क्वांटिटी को सेल करते हो, तब कितना प्रॉफिट हुआ? अब 100 शेयर सेल करने पर 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10 शेयर को सेल करने पर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर आप 10 क्वांटिटी बेचते हो, 100 में से सिर्फ 10 क्वांटिटी बेचते हो, तब तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, 50 रुपए आपका कट जाएगा जो चार्जेस मैंने बताए हैं, तो 50 रुपए का प्रॉफिट आपका हो गया, फिर आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर 100 में से एक क्वांटिटी बेचोगे, तब कितना प्रॉफिट हुआ? 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 50 रुपए का आपका चार्ज लगा, तो आप 40 रुपए माइनस में चले गए, मतलब 40 रुपए के घाटे में चले गए, तो उल्टा आपको घाटा हो गया ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपने शेयर्स की क्वांटिटी कितनी ली हुई है और शेयर प्राइस कितना बड़ा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक क्वांटिटी सेल कर रहे हो फिर भी आप प्रॉफिट में हो। अब जैसे कि दोस्तों मान लो 1,000 रुपए की शेयर प्राइस है, अब 1,000 रुपए का जो शेयर है, आपने 100 क्वांटिटी उसकी बाय की है 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करके, मतलब 1,00,000 रुपए में 1,000 रुपए के रेट पर 100 शेयर ही आएंगे। अब 10 रुपए वो ऊपर बढ़ा, आपने सेल कर दिए, तो यहां पे आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब मान के चलो शेयर प्राइस 10,000 रुपए है,
मतलब जो शेयर का प्राइस है वो 10,000 रुपए है, आपने उसकी 100 क्वांटिटी खरीदी तो 10 लाख रुपए आपका कैपिटल होना चाहिए। 10 लाख के कैपिटल में आपने 100 क्वांटिटी खरीदी है 10,000 के शेयर प्राइस पे, अब उसमें भी अगर वो 10 रुपए ऊपर बढ़ेगा तब भी आपको उसमें भी 1,000 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 10,000 की शेयर प्राइस है उसमें भी 1,000 का प्रॉफिट, 1,000 रुपए की शेयर प्राइस है उसमें भी 1,000 का प्रॉफिट, और 100 रुपए की शेयर प्राइस है उसमें भी 1,000 का प्रॉफिट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम गुणा कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर को बढ़ने पर, मतलब जितना वो बड़ा है ऊपर उतने से हम अपने सभी शेयर को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिलता है। अब दोस्तों ऐसा होता है कि 100 रुपए की जो प्राइस है ना उसको 110 रुपए के रेट पर आने पर ज्यादा समय लगेगा, 1,000 रुपए वाले प्राइस को 1,010 रुपए के रेट पे आने को कम समय लगेगा, 100 रुपए से कम समय लगेगा। जितना समय 100 रुपए के रेट को 110 आने पे लगेगा उससे कम समय में 1,000 का रेट 1,010 पे आ जाएगा, और जो 10,000 रुपए का प्राइस होगा उसको 10,010 रुपए आने पर और कम समय लगेगा। उस हिसाब से हमारी कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि 100 रुपए का जो रेट है उसको 110 रुपए आने में 1 घंटे का टाइम लगा, 1,000 रुपए वाले शेयर को 1,010 रुपए आने पे मात्र 15 मिनट लगे, और जो 10,000 रुपए का शेयर प्राइस है उसको 10,010 रुपए पे आने पे उसको मात्र 5 मिनट लगे। तो जब उसको 5 मिनट लग रहे हैं, इसको 15 मिनट लग रहे हैं और उसको 1 घंटा लग रहा है, तो यहाँ पे हम 10-10 रुपए बढ़ने पर हिसाब किताब नहीं लगाएंगे। 100 रुपए का रेट 110 पे आ गया वो ठीक है, लेकिन 1,000 रुपए का जो रेट है वो कम से कम 150 पे आना चाहिए, और जो 10,000 का रेट है उसको कम से कम 200 रुपए ऊपर या 250 रुपए ऊपर बढ़ना चाहिए अगले 1 घंटे के अंदर, और 1,000 वाले को अगले 1 घंटे के अंदर 50 रुपए ऊपर बढ़ना चाहिए। इस हिसाब से हमारी कैलकुलेशन होगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब है आपने जो 1,000 रुपए के प्राइस पर 100 शेयर खरीदे थे 1,00,000 रुपए के, वो 50 रुपए ऊपर बढ़ गया तो आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, और अगर आपने 10,000 रुपए के प्राइस पे शेयर खरीदे थे 100 शेयर 10,00,000 रुपए के और वो 200 रुपए ऊपर बढ़ गया तब आपको सीधा सीधा 20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा 1 घंटे के अंदर अंदर अगर वो बढ़ता है तो। तो दोस्तों इसमें फाइनल रिजल्ट ये निकल करके आता है 100 रुपए का रेट जो 110 रुपए के रेट पे हमने बेचा था उसमें से मात्र हमने 1 क्वांटिटी सेल की है, 1,000 रुपए की प्राइस पे जो हम 110 पे बेचने वाले थे हम उसमें कम से कम 10 क्वांटिटी सेल करेंगे, एक क्वांटिटी सेल नहीं करेंगे 10 करेंगे, 10 करेंगे तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, 10 क्वांटिटी सेल करेंगे तो हमको 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो हम 50 रुपए के प्रॉफिट में हैं, 50 रुपए काट करके। इस वीडियो को मैं और आसान तरीके से बताता हूँ, 1 क्वांटिटी को सेल करने पर प्रॉफिट भी होगा और घाटा भी होगा, अगर शेयर प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं है तो घाटा होगा, अगर शेयर प्राइस ज्यादा ऊपर है तो प्रॉफिट होगा, ये कैलकुलेशन आप समझ लो ठीक है। इस कैलकुलेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि 1 क्वांटिटी को सेल करने पर प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस कैलकुलेशन में कुछ भी गड़बड़ हुई हो तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं सही करके आपको रिप्लाई दे दूंगा अगले 24 घंटे में। आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो शेयर मार्केट से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो, 24 घंटे में मैं आपको आपका रिप्लाई दे दूंगा। दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल पर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, फ्यूचर में मैं अपलोड करता रहूंगा आपको फ्री में सिखाता रहूंगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।